हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर रनी वैकेंसी के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इवन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैं वीडियो की शुरुआत में बताने वाला हूँ, ताकि आप में से किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। वीडियो को बस पूरा देखना बिना स्किप किए। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है कि ऑल इंडिया स्टेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। इसमें किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। फ्रेशर हैं आप, बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। इवन अगर आप 2023 में पास आउट होने वाले हैं, इंजीनियरिंग कर रखी है आपने, पास आउट होने वाला है 2023 में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये आता है कि जो जॉब रहेगा आपका परमानेंट बेसिस पे जॉब रहेगा, इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं चलने वाला, ये जॉब आपका बेसिकली परमानेंट बेसिस पे यहाँ पे निकाला गया है। फोर्थ पॉइंट ये आता है कि सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपका अच्छा खासा तगड़ा सैलरी आपको देखने को मिलेगा। जो इनिशियल सैलरी आपको देखने को मिलेगा 75,000 इनिशियल सैलरी पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देना। और जब भी आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमको मोटिवेशन मिलता रहता है ऐसी बेहतरीन वीडियो बनाने का, और ये वीडियो ऑटोमेटिकली उन लोगों तक पहुँच जाएगी जो कि एलिजिबल रहने वाले। तो यहाँ पे जो आपका लाइक का टारगेट रहेगा, बस 500 प्लस लाइक करवा देना, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना है। किसी भी टाइप की कोई भी कंजूसी नहीं करनी है मेरे भाई। और कमेंट बॉक्स में आपको अपनी ब्रांच को मेंशन कर देना है, किस ब्रांच में आपने डिप्लोमा बीबीटेक किया और आपने किस ट्रेड के अंदर आईटी किया, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपकी ब्रांच और आपके ट्रेड से रिलेवेंट देखने को मिले। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पर इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है। इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पे चेकआउट कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया मिल जाएगा, आप वहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस यहाँ पे रहने वाले, और एक पीएसयू कैटेगरी में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे इन्होंने जारी कर दिया है, और ये पावर सेक्टर की कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कैसे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा और आपकी पोजीशन कौन सी देखने को मिलेगी, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो आपकी पोजीशन रहेगी, इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। 2023 आपके यहाँ पे बैच आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्रांचेज कौन कौन सी एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल और माइनिंग ब्रांच यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ये सारे ब्रांचेज जो कोर ब्रांच है वहाँ यहाँ पे एलिजिबल रहने वाली है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, गेट 2023 के स्कोर कार्ड के बेस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। मतलब कि जो 2023 में गेट का एग्जाम होने वाला है उसी के मार्क्स के बेस पे आपके यहाँ पे सिलेक्शन होगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने मेंशन कर दिया है। और अगर अभी तक आपने गेट 2023 का फॉर्म फिल नहीं किया, तो फॉर्म अभी तक चल रहा है, भरना आप भर सकते हैं। 31 अगस्त से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, और जो इसका लास्ट डेट रहेगा वो आपका 30 सितंबर इसका लास्ट डेट रहने वाला है। उससे पहले पहले आपको गेट 2023 का फॉर्म फिल आउट कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फिल करके दिखाऊं, एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊं जिसमें मैं गेट 2023 का फॉर्म फिल करके दिखाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर कमेंट कर देना, मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपको एग्जैक्टली फॉर्म को कैसे फिल करना है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। बेसिकली एक शॉर्ट नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर दिया गया, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी ब्रांच कौन सी, आपने किस ट्रेड के अंदर आईटी किया, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपकी ब्रांच और आपके ट्रेड से रिलेवेंट आपको देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।